सरसों का तेल यदि नाभि में लगा लो स्नान के बाद, तब तो उसकी बहुत बड़े चमत्कार, केवल 3 बूंद। और घी यदि नाभि में लगा दो, गाय का घी, देसी घी नाभि में थोड़ा सा बस, उसका भी बहुत चमत्कार है। नाभि से पूरा कनेक्शन है, आपका सिर दर्द भी ठीक हो जाएगा, बहुत फायदा होगा नाभि में लगाने से। लेकिन कान में सरसों का तेल नहीं डालना चाहिए, घी भी नहीं डालना चाहिए कान में। ये कान में तेल घी शक्कर नहीं डालना है, कान में पानी भी नहीं भरना चाहिए, कान में लकड़ी भी नहीं घुसेड़ना चाहिए। कितने लोग कान में लकड़ी घुसेड़ते हैं, अंदर का कचरा पर्दा फट जाता है, फिर रुई लगाकर घूमते हैं, उसमें से मवाद निकलती रहती है। कान में रुई लगा दिया, फिर घूम रहे, कहते कान में दर्द है, लकड़ी घुसेड़ दिया। एक छोटी सी बात बचपन में मुझको किसी ने सुनाया था कि नाक में उंगली, कान में तिनका, मत कर। और दांत का मंजन, आंख का अंजन, नित कर। आंख का अंजन भी करिए। इसमें कितने लोग ऐसे जो आंख का अंजन करते हैं, अंजन जानते हो कि नहीं? अंजन ये इंजन नहीं, आंख में इंजन घुसेड़ देंगे। अंजन आता है नीम का अंजन, सुरमा ठंडा लगाया जाता है, कोई करता ही नहीं है। लेकिन आंख के ऊपर आप थोड़ा सा अंगुली में तेल या घी लगा करके ऐसे कर सकते हैं, पलके बंद करके, वो फायदा करेगा आपको आंख के ऊपर, लेकिन कान में नहीं। नाक में अगर तेल लगाते हैं आप, ये नाक में भरना नहीं है, खाली लगा देना हल्का, तो उससे नाक आपकी सूखेगी नहीं। और वहाँ नाभि में तेल लगाने से नाक नहीं सूखती है और ओंठे नहीं सूखती, नाभि में लगा दो, यहाँ से कनेक्शन वहाँ चला जाएगा। और नाक में थोड़ा तेल लगा देने से नाक के अंदर जो है, जो बैक्टीरिया है, वो सब खत्म हो जाता है। तो आँख का अंजन नित्य करो। आँख में काजल पहले लगाया जाता था, अब तो काजल कोई महिलाएं बनाती भी नहीं और कोई लगाता भी नहीं है। वैसे काजल बहुत फायदेमंद होता था, आँख में काजल अभी भी बना बनाया काजल बिकता है, पर आपको संदेह भी रहता है, पता नहीं कैसा काजल है, आँख फूट जाए तो क्या होगा, डर मारे भी नहीं लगाते हो। मैं भी नहीं लगाता हूँ डर मारे कि पता नहीं क्या डाल दिया हो। आजकल लोभी लोग सब में मिलावट करते, काजल में कुछ मिला दे, अपनी आँख फूट जाए तो कौन जिम्मेदार है, तो इसलिए पड़ी रहने दो ऐसी। और बड़ी मजे की बात, पशु पक्षी आँख में कुछ नहीं लगाते, उनकी आँखें बहुत अच्छी रहती। ये हमारे आपके जीवन का जो खान पान है, यूरिया, डीएपी और फास्फोरस, पोटास, इसके कारण जो है बहुत स्वास्थ्य में गड़बड़ियां होती हैं। यदि हम प्रकृति के जैसे चीजें हैं वैसी उनको ग्रहण करें तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा।